कैसे बोलते हो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह। मम्मी देख लियो तुमको का कह रहे हैं। अच्छा बताओ का कह रहे हो। कह रहे हैं उल्लू पे पांच वाक्य लिखने, जल्दी बताओ। उल्लू पे ये बैठे तो है उल्लू, लिख लियो जितना लिखे कोई इनके ऊपर। ए उस दिन की मार भूले नहीं हूँ ना अब तक, उस दिन की पिटाई समझ में नहीं आई है। अरे हम रोज पिटते हैं, हमका कोनो फर्क नहीं है। तुम आज ही पिटोगे बता रहे। जब तक मजाक में ले रहे तब तक कोनो पीट ले, पर एको चाटा अगर सीरियसली ले लिया तो बताए दे रहे हैं बड़े बड़न की मुच्छा नोच के डिब्बन में भरा है। और ये जो तुनकी तुनकी धरे हो इनका नवाचम टाइम ना लागी। अरे पापा बताओ इधर। कबो अपनी मम्मी से पूछ लिया करो कि खाली खौबे जनती जा रहे बताने। कहाँ चली सवारी? ए, हमको तो टोकने वोकने की हिम्मत ना कर देना, हम मजाक मूड में है नहीं। कहा कि तुम तो हमेशा रहते हो खोपड़ा फाड़ देंगे, चिल्लाते रह जाओगे। जा रहे पावर हाउस से बम फोड़ के आएंगे, बत्ती आ नहीं रही। आईपीएल पूरा चल रहा, शुरुआत से खत्म होने वाला हो गया, शुरुआत से खत्म होने वाला हो गया। एक मैच नहीं देखा अब तक। जब बम की आवाज सुनाई पड़ेगी ना दिल दहल जाएगा आज देखना। ए कौन सा बम दगाने जा रहे हो? परमाणु बम दगाने जा रहे हैं, चौबे की दुकान से लेके आए हैं। जाओ बता दो जाके जिसको बताना है। शकल देखो परमाणु बम दगाएंगे। भैया चेक कर लेती हूँ कहीं परमाणु ही बम तो नहीं। अबे परमाणु बम सबके पास नहीं होता है, जब बहुत बड़ी चीज होती है। सब लोग परमाणु बम दिए नहीं घूमते रहते, जिनके पास राइफल होती है उनके पास होता परमाणु बम। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। अबे यार तुम बिल्कुल वही हो, क्या क्या कहते हैं उसको, बैलान। ये बैलान है बिल्कुल। अरे भैया बैलान से याद आया, जो पीछे गुप्ता जी नहीं रहते मैकली में, उनकी कल टीम जीत गई रहे तो पूरी छत भरे में नाच रहे रहे। तो बस तो कुछ नहीं, बैलान से याद आया ना, समझ जाया करो फिर। यार गुप्ता जी की बात तो हमारे सामने ना बोला करो, उनके बहुत पैसे घमंड। वैसे भैया क्रिकेट वाले लोग बहुत कमाते होंगे। और नहीं तो का तुम्हारी तरीके कटोरा लेके रोड पे बैठते। अरे कटोरा लेके रोड पे नहीं, लोटा लेके मैदान बैठा था सुबह सुबह। हमारी अंतिया सब दिखता है। ज्यादा नहीं समझे? बहुत देर से सुन ले, हमारा कुंखार खून अगर खोल गया ना तो तुम्हारी खोपड़ी की खाल खींच के खरगोश को खिला देंगे। तुमको पता है काय के लिए परेशान कर रहे हैं? काय? हम लोग आईपीएल की बातें करने लगे ना इसलिए। नहीं कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको जितना मारो चाहे जितना पीटो वो लोग सुधरने के बजाय उल्टा और बदतमीज होते चले जाते हैं। उनकी औते ही अकड़ जाती है। उस दिन जब मारा था ना तो इनके दिमाग में तीन घूसे जड़ दिए थे, उसी में इनका दिमाग गया हिल और ये दोबारा चाहते हैं। और हम तुमको बता दें जिनके पास दिमाग नहीं वो आईपीएल का फैन नहीं बन सकते। आईपीएल के फैन सिर्फ दिमागदार लोग हैं। ये दिमागदार है, गजेड़ी है। तुम क्या हो? हम महागंजेड़ी हन। एक काम करो तुम आज बता दो है? एक काम करो तुम आज बता दो कि तुमको आईपीएल से दिक्कत क्या? दिक्कत है खाली फिक्सिंग। क्या? आईपीएल होता फिक्स पूरा। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है क्या फिक्स होता है? अरे प्रूफ है इसके लिए तो बताओ जरा। एक मैच में एक बल्लेबाज है 200 मार रहा, 300 मार रहा, 500 मार रहा, दूसरे मैच में जीरो पे आउट हो रहा। एक बॉलर एक मैच में 7 विकेट ले रहा, 8 विकेट ले रहा, 15 विकेट ले रहा, 20 विकेट ले रहा, दूसरे मैच में 100 रन पिटवा रहा। एक ही फील्डर एक मैच में लथिर लथिर फील्डिंग कर रहा, ऐसा फील्डिंग कर रहा कि घास उधड़ी जा रही। वह फील्डर उड़ी उड़ी कैच पकड़ रहा, पवेलियन से ने कैच पकड़ पकड़ी ला रहा, दूसरे मैच में झोला कैच आ रही वह नहीं पकड़ पा रहा। एक टीम एक आईपीएल में इतने मैच जीत रही कि टॉप पे बनी है, दूसरे आईपीएल में बिल्कुल नीचे जा रही है, को मैच नहीं जीत पा रही। ये हमारी टीम के बारे में कुछ ना कह दे, सर पे जितने बाल है ना सब उखाड़ के हाथ में रख देंगे। अरे हमारे सर पर तो बाल है नहीं, हम तो चंद चुतैया हन। नहीं वो छोट छोट वाले होंगे। अरे हमारे कुछ नहीं, हम रोज गुड़वाते हैं, हमारा पूरा साफ चंद्रमा है। वही कहते नहीं चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे पूर के, आप खा।
बोला मम्मी कह रही मिट्टी तेल लेके आओ दुकान से। काहे मिट्टी तेल का करी है, चल के मरा जाती का। हाँ मरा जाती हन, आओ बताई तुम्हें तो माचिस लगाई हो काहे। क्रिकेट के वो किस्से जो कोई नहीं बताएगा, अनऑफिशियल एम्पायर आपके लिए लेकर आएगा।